हाँ नमस्कार दोस्तों, MI लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वह धान की खेती है, और इस धान की खेती में आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, ये भाई साहब खड़े हैं बलजीत सिंह जी, इनके पास में पौधा है, वो देखो इनकी लगभग आधे तक जा रहा है। अरे एक पौधा धान का इधर भी है जिसकी हाइट दे सकते हो। इसमें एक्चुअली इतना फ़र्क आप सीधा सीधा देख सकते हो स्क्रीन के माध्यम से। आप लंबा थोड़ा डालिए, इसके अंदर से देखिए किस प्रकार पौधे की बनावट बनी हुई है इसके अंदर। तो इसके अंदर हमने इसी अंतर को निकालने के लिए भू अस्तर और ग्रो मैजिक इसमें डलवाया है, और उसका रिजल्ट सर आपके सामने है। ये गंगानगर राजस्थान के अंदर है, अनूपगढ़ ज़िला है। तो हमारे साथ में खड़े हैं बलजीत सिंह जी, जिन्होंने ये डाला है इसके अंदर भू अस्तर और मैजिक ग्रो, तो ग्रो मैजिक, और हम इनका अनुभव जानने का प्रयास करेंगे। तो वेलकम बलजीत सिंह जी, कैसे हो आप? ठीक है। और आपने इसको डालकर कैसा अनुभव कर रहे हो आप इसके अंदर? सर इसका रिजल्ट आपके देखने के सामने ही है सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। और सर ये एक ही दिन की, दोनों फील्ड एक ही दिन में लगे हुए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। एक ही दिन का फील्ड लगा हुआ है, लगभग ये सर 25 या 26 जुलाई के लमसम लगे हुए। वेरी गुड। और यानी सर आज एक महीना और ये 10 दिन की खेती है। अरे इसका ग्रोथ देखो कितना शानदार है। उसकी ग्रोथ में कम से कम आप देख सकते हो 6-7 इंच का फर्क है। और सेम पानी सेम मिट्टी का, सिर्फ एक बीच में मेड़ का फर्क है। आप देख लीजिए, ये मेड़ से जो इस साइड का और ये मेड़ से जो इस साइड का, और हाइट में कम से कम नहीं करते 6-7 इंच का फर्क है। और जो इसकी तने की मोटाई भी आप देख सकते हैं वो शानदार है, और जो इसकी लग रहे हैं जिसको हम ये बोलते हैं, ये कम से कम इसके 25-26 हैं, और जो इसकी लग रहे हैं ये 15-18 है। 15-18 यानी 7-8 लग रहे कम है। का फर्क है दोनों में। धान का भी वो भी फर्क पड़ेगा। हाँ, अभी देखो इसका जो पैदावार है वो उसका देखो अभी अंदाजा लग रहा है, अभी कम से कम नहीं करते 3-4 क्विंटल का पर बीघे का फर्क पड़ेगा इसका। वेरी गुड सर। और आगे जो भी देखते हैं अभी कैसा होने थे, बाकी अभी तक इसमें कोई स्प्रे नहीं किया, कोई कुछ कीड़े मारे की दवाई नहीं डाली हुई, सिर्फ वो बूस्तर और एक गट्टा यूरिया का इसमें एक गट्टा यूरिया डाला हुआ है, और कुछ नहीं, इसमें एक गट्टा यूरिया और साथ में ये बूस्तर, ये पूरे एक एकड़ में डाला हुआ है। तो बलजीत सिंह जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आगे जो किसान हैं और भी आपके आसपास में हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मेरा तो यही मैसेज है कि आप इसका यूज अपने खेत में, चाहे वो धान है चाहे वो गेहूँ है, कर सकते हैं। और इसका अभी तक तो मेरे हिसाब से रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और आगे देखो कि मौसम वगैरह अगर ठीक रहा तो हाँ, अभी इसमें कुछ ना कुछ पड़ेगा। लेकिन आप देखो इतनी बरसात हुई है अपने इस जगह पे, बरसात अच्छी है, बरसात के बावजूद देखो इसमें कहीं पीलापन नहीं है। कहीं पीलापन नहीं है, ऑब्जर्व कर रहा है ये, और इसमें हल्का सा नजर आ रहा है, देखो पीला सा नजर आ रहा है, ग्रोथ भी फर्क है। तो देखा किसान भाइयों, एक शानदार रिजल्ट जिसकी अपने कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जैसे बलजीत सिंह ने अपना अनुभव बताया, उसी प्रकार से आप भी कोई भी फसल के अंदर, किसी भी प्रकार की फसल है अपने राजस्थान के अंदर, आप इसका प्रयोग कीजिए, ग्रो मैजिक और बूस्तर का प्रयोग कीजिए, आपके अन्य खर्चे सारे कम हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। MI लाइफस्टाइल, जय हिंद।